जी जी कबड्डी बोलिए। कहते हैं कि मानो तो शंकर ना मानो तो कंकर, मानो तो शंकर हूँ ना मानो तो कंकर हूँ। तो विश्वास की बात होती है, जहाँ विश्वास जागृत तो हो जाते हैं वहां सदैव बाबा कोणाहारी जी का वास होता है भक्त। और बाबा जी कहते हैं कि भक्त मेरी बात ध्यान से सुन, मैं और कहीं नहीं हूँ, मैं तेरा विश्वास हूँ, मैं तेरे विश्वास में ही समाया हुआ। तो एक बार की बात है कि श्री कृष्ण भगवान जी ने गौ माता जी को बोला कि हे गौ माता जी, आपको सारे इतने तंग करते हैं घर लोग, इतने अत्याचार होते हैं आपके साथ, लेकिन आप कभी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने आपको इतने दो बड़े बड़े सींग दिए हुए हैं, तो आप इनका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो गौ माता जी बोलते हैं कि जब पूतना ने आपको विषैला दूध पिलाया था, तो भी तो उन आपने उनको माता का दर्जा ही दिया था। तो भक्त चाहे मेरे साथ कितना भी अत्याचार करे, लेकिन उनको फिर भी दूध पिलाती है, ये तो माँ भी मानता है, माता फिर धर्म होता है। तो ये बात सुनकर श्री कृष्ण महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। और श्री कृष्ण जी ने गौ माता जी को कहा कि मैं सदा तेरे में वास करूँगा, मैं सदा तेरे अनुसंग रहूंगा। तो जहां पर भी आप होंगे वहां पर मेरा सदा वास होगा। तो सदा भगवान जी अपने भक्तों के अनुसंग रहते हैं। हवा को कोई देख नहीं सकता, देख सकता है ना, हवा को कोई बांध सकता है, लेकिन हवा का अनुभव जरूर है। तो बाबा जी जरूर आते हैं पर्वत के झोंके में, जानने वाला चाहिए, क्योंकि हवा को ना दबाना चाहिए, मेरी लोड़ है ना लेकर बोखार बंधन में गया। इतनी बात है और कहते हैं कि तेरी ज्योति से मूल मिलता है, उससे देखो सूर मिलता है, तेरे दर्शन आने वाले को बाबा जी कुछ ना कुछ मिलता है। और बाबा जी पावर है, क्या है? पावर है, शक्ति है, अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। और अगर किसी में पूरे आ जाए तो बंदा फट जाएगा, क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन जिनके ऊपर कृपा होती है उनमें उनका अंश जरूर आता है। आप जैसे देखा कि बाबा जी पवन के झोंके में मेरे इस दास के शरीर में आए थे जल के देने के लिए, तो हम अंश हैं, उनके क्या है? अंश हैं। तो अंश के माध्यम से ही भला होता है, हर चीज का माध्यम है। तो अंश ही आता है, अंश ही आता है, तो भी जिसके ऊपर पैर होता है उसको पता होता है कि शरीर इकट्ठा हो जाता है, अगर पूरी आगे तो शरीर ही फट जाएगा। तो बाबा जी अपना अंश के रूप में भक्तों में जरूर आते हैं, अगर सच्चा प्यार हो। जयकारा सुंदर गुफा वाले बाबा जी का बोली सच्चे हे मेरे घोड़ा वाले बाबा जी ग्वाली सदा की बोलिए जी। एक बार फिर बोल लो जी, एक बार फिर बोल लो जय श्री बाबा जी की, जय श्री बाबा जी।